सुमन केसर प्रोडक्शन हमारा बैनर है और इस बैनर के तले अब हमारा एक प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है भूख। भूख जिस तरह इसका टाइटल है वहीं से ये जस्टिफाई हो रहा है कि भूख किसी भी चीज़ की हो सकती है, पैसे की भूख, जिस्म की भूख या फिर पेट की भूख। ये हमारी जो शॉर्ट फिल्म है ये तंज है, ये सोसाइटी पर एक टॉन्ट है, एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है कि ये भूख कब मिटेगी। जब आप इस शॉर्ट फिल्म को देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि समाज में कुछ इस तरह का तबका है या कुछ इस तरह के वर्ग के लोग हैं जो आज भी भूख से पीड़ित हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं, रोटी की भूख की वजह से मर रहे हैं। कुछ लोगों को पैसे की इतनी भूख है वो इंसान को इंसान ही समझते, कुछ लोगों को इतनी लस्ट है कि वो 2400 घंटे हवस की भूख में रहते हैं। तो ये हमारा सोसाइटी को एक तंज है, एक क्वेश्चन मार्क है कि भूख कब मिटेगी। हमारे बैनर को, हमारे बैनर में जो प्रोडक्शन है हमारी, उसमें जो प्रोड्यूसर हैं सुमन केसर जी, वो मेरी वाइफ हैं और उन्होंने ये फिल्म कंसेप्ट और प्रोड्यूस जो है इस शॉर्ट फिल्म को उन्होंने किया है। इसके डायरेक्टर राजेश राजपूत जी हैं, ठाकुर एमएम सिंह जी हैं और डीओपी जो है वो सनी भाई ने की है। साइकिल ब्रदर्स ने इसमें पीछे जो बैकग्राउंड एक सॉन्ग है वो उन्होंने दिया गया है और साथ ही साथ जो कास्ट है उसमें मैं मेन लीड में, तरुण केसर डीके, मेरे साथ में सुगम बराल, आशीष कोहली जी, ईशु शर्मा जी, अंकुर शर्मा जी, अमरीक सिंह जी, मानिक शर्मा जी, ये सभी लोग मेरे साथ मिलकर इन्होंने ये शॉर्ट फिल्म बनाई है। और इस शॉर्ट फिल्म को हम लेके आए हैं सुमन केसर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो पूरी फुल मूवी देखने के लिए आपको सुमन केसर यूट्यूब चैनल पर जाकर इस मूवी को देखना है और अपने कमेंट्स में, जितनी भी जनता है, ऑडियंस है, अपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा काम कैसा लगा। क्योंकि ये काम जो है ये हम लीक से हटके कर रहे हैं, जो आजकल का ट्रेंड है, हम उसको फॉलो ना करते हुए कुछ ऐसा सामाजिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्मों के द्वारा जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आज भी हमारे समाज में अगर बुराई हैं तो वो क्यों है। मेरे साथ सभी को एक्टर्स मेरे साथ थे, ईशु शर्मा जी मेरे साथ थी, मानिक वो बेसिकली उनके घर पे कोई बीमार है वो नहीं आ पाया, अंकुर शर्मा मेरे साथ थे, अमरीक सिंह मेरे साथ थे, आशीष कोहली जी जो हैं वो इस समय मचेल यात्रा पे गए हुए हैं वो इसलिए नहीं आ पाए, सुगम बराल जी वो ऑफिशियल वर्क से, बेसिकली वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ऑफिशियल वर्क से वो किसी असाइनमेंट्स में बिजी हो गए, लेकिन उन सभी का प्यार, उन सभी का सपोर्ट मेरे साथ है। आशीष जी का सपोर्ट मेरे साथ है, सुगम जी का सपोर्ट मेरे साथ है, मानिक जी की सपोर्ट मेरे साथ है। हम पूरी एक टीम है और इसी टीम को लेकर हम आगे भी बढ़ेंगे और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम आपको कुछ ऐसे मास्टरपीस दें कि आप लोग सराहना किए बिना नहीं रह पाएं।